सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन और आज हम बात करने वाले हैं गुलाबो सीताबो फिल्म के बारे में। कुछ ही देर पहले उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तो हम करेंगे आज इसका ट्रेलर रिएक्शन, फिर करेंगे डिटेल में ट्रेलर ब्रेकडाउन और साथ ही साथ बताऊंगा मूवी कैसे आएगी, कहाँ देखने को मिलेगी और साथ ही साथ क्या क्या चीजें इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आइए मिलके देखते हैं पहले इसका ट्रेलर, फिर करते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। लैट्रिन जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ जॉइंट टॉयलेट। लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। आज से पार्किंग दो 50 रुपया रोज का। हाँ जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है, और ना ठोक देंगे तुम्हें हम दे। हवेली और हमारे बीच आना ना, वरना ऐसा हाल कर देंगे तो हद ही है। बुलाओ, हाल तो तुम्हारा करेंगे हम। यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आसरी चल रही है हवेली के साथ सब निकाल देंगे। पुरानी ईंटें हैं, ये तो होना ही था। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। खिलाओ मत, अटैक आ जाएगा। आपको तो अपना मकान खाली करवाना है किराएदार से। कागजात लायो, मीटिंग के लिए कैसे आगे उठाते हुए। एक ही ऑप्शन है, हवेली भेज दो। हवेली हमने बेच दी है। बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते, हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते। लेकिन परमिशन हमारा लगेगा, तब मजा आएगा। मोहब्बत करते हम अपनी हवेली से बेइंतहा। ऐसा है, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। भाई लोग, यह है कमाल धमाल सा गुलाबो सीताबो का ट्रेलर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सीताबो हमारे आयुष्मान खुराना है और गुलाबो है हमारे अमिताभ बच्चन जी। कहानी शुरू होती है लखनऊ के गली से, जहाँ पे एक बहुत पुराना मकान है अमिताभ बच्चन जी का, जिनका नाम होता है मिर्जा, उनका नाम होता है इस फिल्म में मिर्जा पूरा पूरा, और उनका वो मैंशन है, यानी उनका पूरा पूरा पुराना वो घर है, जहाँ पे हमारा जो आयुष्मान खुराना है जिसका नाम है बाके, वो वहाँ पे रेंट पे रह रहा है, भाड़ा भी दे रहा है, और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन जी की जितनी भी खुराक आते हैं वो बल्ब निकाल के बेचना और साथ ही साथ उनका भाड़ा वसूलना पार्किंग के लिए, वो भी सारी चीज़ें हम इस फिल्म में देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सिंपल सी बात है, ये है एक ओनर यानी एक मकान मालिक और एक किराएदार के बीच की नोकझोंक जो कि चलती रहती है, और उनकी उम्र हो चुकी है, और वो जो आप सीन देख रहे थे आयुष्मान खुराना का कि मुझे ही गोद ले लो, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपल सी स्टोरी यही है कि भाई उससे कैसे करके पैसे ऐंठना है, पैसे निकालना है मिर्ज़ा को, यानी हमारे अमिताभ बच्चन जी को आयुष्मान खुराना से पैसे निकलवाना है कुछ भी करके, और या फिर उसको ही घर से निकलवा दे और इस पूरे के पूरे घर का जिम्मेदारी वो खुद के ऊपर ही ले, ऐसा उन्हें लगता है। इस वजह से वो कुछ ना कुछ आए दिन पैतरे अपनाते रहते हैं आयुष्मान खुराना को घर से निकालने के लिए। तो उन पैतरों में वो काम जो चलता नहीं है, और उसी के बीच हमारे विजयराज आ जाते हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, और वो बोलते हैं कि तुम अगर ये मकान बेचना चाहते हो तो मेरी परमिशन भी आपको लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तभी आप मकान बेच सकते हो। ये जो नोकझोंक चल रही है तो अमिताभ बच्चन जी का सिंपल सा फंडा है कि भाई इस मकान को ही मैं बेच दूंगा तो बात ही और किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बट वहाँ पे
विजयराज आके वो सारी चीजें रोक देते हैं। तो ये जो नोकझोंक है, ये जो टॉम एंड जेरी वाली चीजें है, यही है कहानी गुलाबो और सीताबो की। जी हाँ दोस्तों, जूही चतुर्वेदी ने इसकी राइटिंग की है, जिन्होंने इसके पहले विकी डोनर, हमारा मद्रास कैफे और सुजीत सरकार की और एक फिल्म जिसका नाम है पीकू, वो भी लिखी है। और सुजीत सरकार जी का डायरेक्शन तो आपने देखा ही है, कितना ज़्यादा कमाल का वो डायरेक्शन करते हैं। कुछ ना कुछ यूनिक हमारे लिए, कुछ ना कुछ यूनिक टेस्ट हमारे लिए लेके आते हैं। तो इसमें वही तड़का हमें देखने को मिल रहा है। ये फिल्म 12 जून को प्राइम वीडियो पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी आपको। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी उसकी लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, उस चीज़ का मजा उठा सकते हो। तो ये है दोस्तों ओवरऑल पूरी की पूरी गुलाबो सीताबो मूवी। आपको ट्रेलर देख के क्या क्या चीज़ें पसंद आई, मुझे खासकर तो उन दोनों की नोकझोंक वाली सीन्स पसंद आए, और साथ ही साथ मुझे अमिताभ बच्चन जी का मेकअप भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगा। तो यही है, मुझे डिटेल्स ये सारी पसंद आई। आपको क्या क्या पसंद आया नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।